आइए फिर से आपका स्वागत है। मैं आज सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में बताने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। यह सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर यह एक मानसिक बीमारी है जिसमें वो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डर लगता है और उसको मालूम है कि अकारण है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है और उसको वह एक जगह पे या अनेक जगह पे जाने का डर लगता है। स्पेशली उसको डर लगता है कि वहाँ अनजान लोग रहेंगे, लोग कुछ जांच पड़ताल अपनी करेंगे या कुछ पूछपाछ करेंगे, या फिर नए लोग हैं उनके सामने जाना है, या कुछ पार्टी में जाना है वहाँ खाना पड़ेगा सबके सामने, या फिर कुछ लिखना है, स्पेशली अधिकारी लोग होंगे तो उनके सामने जाना है, तो ऐसे उसमें उसको बहुत डर लगता है। उसको ये मालूम है कि ये डर जो है वो अकारण है, इसमें कुछ होने वाला है नहीं, कुछ मरने का कारण नहीं, कुछ मरने वाला हूँ नहीं, मगर ऐसा होने के बाद में भी उसको बहुत डर लगता है और उसके लिए वो सिचुएशन टालते रहता है। यह परिस्थिति में उसको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, डर महसूस होता है, उसे लगता है कि मैं मर जाऊँगा क्या, और यह मालूम होते हुए भी उसको ज़्यादा का डर है, ये मालूम है उसको, अकारण है मालूम है, और तभी भी फिर वो जाना वो टालते रहता है क्योंकि वहाँ बहुत बेचैनी हो जाएंगी और उसको लगता है कि मैं फिर ऐसी कृति वहाँ करूँगा कि जब कृति से, मेरी एक्टिंग से मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा, वो अच्छा दिखेगा नहीं, और फिर इससे अच्छा है कि मैं नहीं गया तो अच्छा है। उसको ये जो बीमारी है इसकी वजह से उसके रिश्ते जो है उसमें रुकावटें आती है, उसके फंक्शनिंग मतलब काम करना, धंधा पानी करना, इसमें रुकावटें आती है, या रिश्तों में या आपसी व्यवहार में उसमें रुकावटें आती है और वह उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है ये बीमारी की वजह से। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर ये डायग्नोस करना है तो इसके साथ बाकी कोई भी बीमारी नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी बीमारी है तो फिर वो बीमारी का डायग्नोसिस हो जाएगा, इसका डायग्नोसिस नहीं होगा। ये जो लक्षण है ये कोई ड्रग्स लेके, कोई सब्सटेंस लेके या बाकी कोई भी मेडिकल कंडीशन से होनी नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हाइपरथायरॉयडिज्म है या और कोई बीमारी है कि जिसके वजह से ये लक्षण नहीं दिखाई देना चाहिए। तो सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर जब हम डायग्नोस करते हैं तो उसमें बाकी कोई भी बीमारी नहीं है, ना कोई बदन की शारीरिक बीमारी है, ना कोई मानसिक बीमारी है, सिर्फ इतने ही लक्षण है जिसमें उसको बहुत ज़्यादा डर, अकारण डर, लगातार डर और लोगों के सामने डर लग, नए सिचुएशन में डर लगता है और उसमें शर्मिंदा होने का डर लगता है, तो उसको सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर ऐसा कहा जाता है। इसका प्रभाव पड़ने से उसका जो सिचुएशन है मतलब फाइनेंशियल सिचुएशन जो है, आपसी एडजस्टमेंट जो है, फैमिली सिचुएशन जो है, उसमें बहुत प्रभाव पड़ने से वो डाउन डाउन हो जाता है, मतलब जीवन जीने का आनंद नहीं मिलता और एक डिटेरिएटिंग कंडीशन आ जाती है, नीचे नीचे जाता है वो फाइनेंशियली या फिर सोशली भी। तो इसका इलाज यदि किया तो व्यक्ति अच्छा जीवन जी सकता है। इसका इलाज जो है वो दवाई से होता है, दवाई के साथ साथ मेडिटेशन, सम्मोहन उपचार, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी से उसका इलाज होके वो आदमी अपना जीवन निश्चित रूप से अच्छा जी सकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगा तो जरूर ये सब ग्रुप में भेजो। आपके संपर्क में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे इनको डर लगता होगा कुछ ना कुछ मात्रा में, तो वो भी अच्छे हो जाएंगे, वो भी उनका इलाज कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।